हेलो गाइज वेलकम। तो आज हम लोग एक न्यू हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल हॉरर, और बस मेटल हॉरर। तो इस गेम में हमें एक सनकी साइको टाइप आदमी ने अपने घर में ले जाकर बंद कर दिया है और हमें इसके घर से एस्केप करना है। बट ये सनकी आदमी बहुत ही ज़्यादा होशियार है, क्योंकि अगर इसके घर में हम लोग कुछ भी साउंड करते हैं तो ये अपने कमरे की हर एक चीज़ को प्रॉपर चेक करने वाला है, और अगर इसको कुछ भी गड़बड़ दिखाई देता है तो ये हमें बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट देने वाला है। तो देखते हैं कि हम इसके घर से एस्केप कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि कल को आपके स्कूल की छुट्टी है और आज आप रात भर सोचते हैं कि कल दिन भर मस्ती करेंगे और अगले सुबह उठ के देखते हैं तो बहुत तेज की बारिश हो रही हो? भाई मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। अगर आपके साथ हुआ है तो कॉमेंट कर देना। तो चलो गेम को शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओ, हमको यहाँ से क्यों मिल रहा है भाई? आवाज़ हो चुकी है और वो आ रहा है। अभी हमको सबसे पहले देखना होगा सारा चीज़ ठीक है ना, यहाँ पे ये भी ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है। हाँ, अभी हमको केज में जाना है भाई। ओके, हम लोग इसके अंदर जा गए भाई। सारा चीज़ ओके है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसको शक नहीं हो सकता है मेरे ऊपर, क्योंकि हमने सारा सामान रख दिया था जैसे का तैसे। वैसे हमने उठाया ही नहीं था कुछ वहाँ से। तो अभी ये आ चुका है मैनिएक भाई, आप लोग देख सकते हैं, यही है वो मैनिएक। वेट अ सेकेंड, कहाँ रहोगे भाई? तेरे को कहाँ दिखा? मेरे को तो नहीं दिखा। ओ भाई, वो जो रस्सी गिराया था भाई, वो इसको दिख गया और ये बोल रहा है कि भाई रस्सी तुमने ही गिराया है। भैंस की टांग, कोई बात नहीं, इसने हमें अभी बिजली का शॉक ही दिया है, अभी हम तो ठीक ठाक है। तो अभी हम लोग एक बार लॉक पिक से इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। और अभी हमारा लॉक पिक ख़त्म हो चुका है भाई। अगर अगली बार हम लोगों को अंदर पकड़ के रखता है तो भाई हम लोग किस चीज़ से निकलेंगे भाई? चलो कोई ना, अभी हमारे पास की है तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और ये ओपन हो चुका है, और यहाँ से हम लोग को एक टेप मिला है और यहाँ पे एक मेटल सॉ मिला है जिसका काम कहीं पर होने वाला है। बट सबसे जरूरी चीज़, इसको हम लोगों को ऐसे बंद करके रखना है। तो अभी हम लोगों को इस टेप का यूज़ देखना है। अगर ये पैनल हम लोग चालू करने की ट्राई करें तो नो इलेक्ट्रिसिटी, और इसका इलेक्ट्रिसिटी इसमें से आ रहा है। तो क्या अगर हम लोग इसको नीचे कर दें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है? ओ नहीं आ सकती है, इसको ऊपर ही रखने दो भाई। इसके वजह से, ओ भाई, हमारे केज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है भाई इससे। ओ, उसने तो इसी से हमको शॉक दिया था ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लानी है। तो इसका वायर गया यहाँ से, और वेट भाई, इसका वायर यहाँ से कटा हुआ है। तो शायद से टेप से हम लोग इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और अभी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी होगी आई थिंक। ओके, यहाँ पे आ चुकी है, बट इसको ओपन करना है। इसके अंदर हम लोगों को डालना है एक पासवर्ड, और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। बट मैंने एक वर्ड देखा था यहाँ पे 3, और यहाँ पे एक कैलेंडर टंगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 2013। इस कैलेंडर के पीछे कुछ है क्या? ओ भाई, इसको हम लोग हटा सकते हैं, और इसके पीछे एक डंडा पड़ा हुआ है, और आई थिंक ये डंडा इसी पिकेक्स का है। तो अभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्या? ओ भाई, ये नहीं निकल रहा है, यानी कि इसके लिए कुछ दूसरा चीज़ें। तब तक हम लोग इस कैलेंडर को यहीं पर लगा देते हैं भाई, सेफ्टी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोगों को सबसे पहले पासवर्ड ढूंढना होगा। यहाँ पे हम लोगों को 3 मिल चुका है, और कहीं, ओ यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0, ओ और यहाँ पे 4 है भाई। हम लोगों को 4 डिजिट का पासवर्ड तो मिल चुका है, बट दिक्कत इस बात की है कि उसको किस पैटर्न में डालें। इसमें अगर पहले हम लोग 3 डालें और फिर 1 डालें, फिर 0 डालें, फिर 4 डालें, तो ऐसे हो सकता है क्या? एक में मे बी। ओ भाई, नहीं खुल रहा है, आई थिंक ये पासवर्ड नहीं है। अभी तो हमको पासवर्ड ढूंढना ही होगा सबसे पहले। और यहाँ पे एक रेंच पड़ी हुई है, इसको हम लोग उठा सकते हैं क्या भाई? नहीं उठा सकते यार। तो पासवर्ड ढूंढने के लिए हम लोगों को भाई कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और हमको एक लेटर दिखा था इसके अंदर, शायद इसके अंदर पासवर्ड लिखा हो शायद से। 1/13/2012 का ये लेटर है,
ओके, तो अभी मैंने इस लेटर को पढ़ लिया और ये लेटर किसी बंदे ने छोड़ा है जिसको इसने पकड़ के रखा था, और उसने यहाँ से शायद से एस्केप कर लिया और उसने हमारे लिए कुछ क्लू यहाँ पे छोड़े हैं, और इसने यहाँ पे पासवर्ड में कुछ तो लिखा था पासवर्ड लिखा है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो अभी तो हम लोगों को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि आखिर इन चारों में से नॉर्थ कौन सी दिशा है। वेट, यहाँ पे कुछ तो पड़ा है। ओ, यहाँ पे लिखा है December 14, तो आज 14 दिसंबर है, यानी कि 2013 में आज 14 दिसंबर हो रहा है, और बाहर स्नो भी बहुत तेज़ पड़ रही है, तो भाई ठंड का महीना है। और यहाँ पे एक वेदर न्यूज पड़ा है क्या, एक सेकंड वेट। तो यहाँ पे लिखा है कि 14 दिसंबर को जो विंड है वो बहेगी नॉर्थ से, तो यानी कि अगर नॉर्थ देखा जाए तो विंड देखा जाए किधर बह रहा है, एक सेकंड, तो हवा जा रहा है इधर से इधर की साइड में। तो अगर हम लोग इस साइड को नॉर्थ मान लें, एक सेकंड, जीरो नॉर्थ मान लेंगे, तो ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट 01 और ईस्ट इसको हो गया 4 और 3, तो 01 4 3 एक बार डाल कर देख लेते हैं, आई थिंक ये सही होना चाहिए, 01 4 3। ओ लेट्स गो, हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर दिया। भाई भाई क्या ही तो आइडिया, क्या ही दिमाग लगाया भाई हम लोगों ने, और यहाँ पे एक दरवाज़ा ओपन हो चुका है भाई साहब, और यहाँ पे एक टॉयलेट है भाई, और इसके लिए हमको स्क्रू ड्राइवर चाहिए शायद से खोलने के लिए, और यहाँ पे एक बाथटब है बट किसी काम का नहीं, और यहाँ पे 3 अलमारियाँ हैं, इसके अंदर कुछ मिलेगा क्या हमको, कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, और इसमें इसमें एक लीवर मिला है हमको, तो अभी इस लीवर का यूज़ कहाँ होने वाला है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ हमको अभी मिल चुका है तो भाई इसको रखते हैं, कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से एस्केप करने के लिए, इसमें एक सेकंड, इसमें एक एलिवेटर का भी दिया हुआ था, तो एलिवेटर को अगर हम लोग इनेबल करें तो लिख रहा है नो पावर, तो अभी हम लोगों को शायद से उसके अंदर पावर लाना पड़ेगा, अगर एलिवेटर दिया है तो कुछ तो काम उसका ज़रूर होगा। अभी इस लीवर का क्या काम है हमको ये नहीं पता चल रहा है, इस लीवर को अगर हम इसके अंदर लगाए तो लगेगा क्या, ओ भाई ये इसके अंदर ही लगेगा, और इसको अगर हम लोग घुमाएं तो यहाँ से आ चुका है यहाँ पे रेंच बाहर, और अभी साथ से हम लोग रेंच को उठा सकते हैं, उठा ले भाई। ओके, तो रेंच को हमने उठा लिया, और रेंच का यूज यहाँ पे हो सकता है क्या, ओ यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे हो सकता है, और लेट्स गो, हमने यहाँ पे रेंच लगा दिया और यहाँ भी रहेगा, और ये भाई सड़क के जा चुका है इस साइड पे, ओ भाई साहब, और यहाँ पे एक चेन है तो हमको इसको काटने के लिए इससे कट सकता है क्या, ओ इससे नहीं कट रहा है, शायद से कोई और ही चीज़ चाहिए होगा हमको, बट हाँ इसके अंदर पानी है, अगर इसके अंदर भी देखे तो कुछ, ओ एसिड है, अगर इसके अंदर हमको शायद से कुछ मिल जाए तो हम लोग इसके घर से एस्केप कर सकते हैं, बट इसके घर में इधर उधर भी देखना पड़ेगा भाई, कहाँ क्या गिरा हुआ है कोई आइडिया नहीं है, ऊपर की साइड तो कुछ नहीं, ओ यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ है क्या, अगर हम लोग इसको ओपन करें, भाई साहब आवाज़ हो चुका है भाई, पहले तो हम लोगों को यहाँ पे बंद करना होगा डोर क्लोज, और इसके बाद पैनल, और अभी अभी हम लोगों को पहले देखना होगा सभी चीज़ें, ओ भाई बॉक्स बॉक्स बॉक्स, अभी सब चीज़ बंद है, ठीक है, ओके ठीक है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, एक सेकेंड, ओके ओके मैं सेफ हूँ, अभी शायद से सब चीज प्रॉपर बंद हो चुका है, तो आई थिंक मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा भाई, सारा चीज ओके। वेल वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, समथिंग्स रॉन्ग, कहाँ है भाई, कहाँ गलत है, इस पर तो रोप भी ऊपर टंगी हुई है भैंस की टांग, गलत, हाँ भाई वो भाई तेरी इमेजिनेशन है, सही बात बोल रहा है। ओके, तो ये बाहर जा चुका है, अभी हम लोग वापस से निकल सकते हैं इस कमरे से, लेट्स गो, और ऊपर से ना कुछ गिरा हुआ था जब हम लोगों ने वहाँ पे ऊपर का फ्लोर खोला, तो वहाँ से कुछ गिरा, तो अभी हम लोग पहले तो सबसे पहले डोर को कर लेते हैं ओपन, और अभी चल के देख लेते हैं कि आखिर गिरा क्या नीचे। ओ यहाँ पे एक कटिंग प्लायर है, और इस कटिंग प्लायर से आई थिंक हम लोग इसको काट सकते हैं, लेट्स गो, और इसके अंदर से हम लोगों को मिल चुका है एक हैमर का एक पार्ट,
और यहाँ पे एक नल है, इसको हम लोग खोल सकते हैं क्या? ओ भाई, और इसके अंदर से सारा पानी नीचे जा चुका है। और यहाँ से हम लोग को एक स्क्रू ड्राइवर मिला, और स्क्रू ड्राइवर का यूज पहले यहाँ होने वाला था, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे यूज। ओ लेट्स गो, हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया, और इसके अंदर से हम लोगों को एक नेल पुलर मिल चुका है। अब नेल पुलर का यूज़ कहाँ होने वाला है ये तो मेरे को पता नहीं, बट हाँ इस पिकेक्स के एक टुकड़े को हम लोग यहाँ लगाते हैं, और यहाँ पे एक जो टुकड़ा था वो इसके अंदर शायद से नेल पुलर लगने वाला है। तो अभी नेल पुलर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और हमारा पिकेक्स बन के हो गया तैयार। कैलेंडर को हम लोग पहले यहीं पे लगा देते हैं जहाँ पे था। ओके, तो अभी हम लोग इस पिकेक्स से शायद इस दीवार को तोड़ सकते हैं क्या? आई थिंक सो, यही होना चाहिए। बट हाँ, अगर वो आएगा तो मेरे को मार सकते हैं भाई। कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इसको हम लोग इससे तोड़ते हैं। ओ भाई आवाज़ हो चुकी है, एक सेकंड, निकल 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 भाई। पहले तो सबसे पहले हम लोगों को डोर बंद करना होगा। एक सेकंड वेट, जल्दी चल भाई। डोर क्लोज, पैनल क्लोज, अभी सारा चीज साइड से ओके है, अभी मैं जा सकता हूँ छिपने के लिए। बट हाँ, अगर उसको कुछ गड़बड़ दिखाया, मैंने भाई कुछ गड़बड़ तो छोड़ा नहीं है आई थिंक, लेकिन शायद से कुछ गड़बड़ दिख जाए तो भाई मेरे को मार सकते हैं भाई। ओ कुछ लेके आ रहा है भाई, क्या ला रहा है भाई? नाश्ता वास्ता ला रहा है क्या? ला दे भाई, उधर कहाँ रख रहा है भाई? ओ भाई Well, wait a second. Something wrong here. Something's wrong here. कहाँ wrong है? कहाँ तेरे को wrong दिख रहा है भाई? Goddamn imagination. अरे भाई तेरा imagination खराब है, मैं तेरे को कितनी बार बोल रहा हूँ भाई, तू जा यहाँ से। चलो कोई ना, अभी हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे इसने क्या ला के रखा? खाने के लिए कुछ नहीं रखा ना? ओ यहाँ पे इसने एक लीवर ला के रखा है, और यहाँ पे क्या है? और कोई चीज़ हम लोग उठा नहीं सकते यहाँ से। वेट, तो अभी हम लोग यहाँ से पहले तो डोर को ओपन करना होगा हम लोगों को। तो यहाँ से करते हैं पैनल ओपन, और यहाँ से डोर को ओपन कर लेते हैं। और अभी हम लोगों को इस लीवर को ले जाके कहीं तो लगाना होगा। आई थिंक शायद से एलिवेटर में लगने वाला है क्या? और यहाँ पे एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई है भाई साहब, जिसको इसने पकड़ के रखा हुआ था। और यहाँ पे कुछ प्लैंक्स हैं, इनको मैं उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता हूँ भाई। ओके, यहाँ पे एक प्लैंक है, इसको हम लोग उठा सकते हैं भाई, लेट्स गो। और यहाँ पे जो लीवर है इसको हम लोग कहीं लगा सकते हैं क्या इसके अंदर? ओ नहीं लगा सकते। अगर अभी हम लोग इस एलिवेटर को ऑन करके देखें तो शायद से ऑन हो जाना चाहिए आई थिंक, मे बी, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको दरवाजे को ओपन कर दिया है और हमको लीवर भी मिल चुका है। तो एक सेकेंड अगर हम लोग देखें एलिवेटर को इनेबल करके, नो पावर फेस किया, पावर कैसे जाएगा उसमें? अभी क्या अलग से पावर लाना पड़ेगा क्या उसमें तेरे लिए? अब पावर कहाँ से लाऊं भाई? यहाँ पे इसमें, ओ भाई ये कुछ नहीं हो रहा यार। तो एलिवेटर को हम लोग बुला कैसे सकते हैं भाई? अभी इसमें पावर कैसे लाया यार, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भाई पावर कहाँ से आएगा यार? मैं इसकी पावर जेब में तो लेके नहीं घूम रहा, वो इधर कहीं पे कुछ मिलता है क्या हम लोगों को? यहाँ पे भी कुछ नहीं, ये तो हम लोगों ने देख लिया है प्रॉपर। इसके अंदर कुछ है क्या? इसके अंदर भी कुछ नहीं है भाई। पावर अब कहाँ से लाई एलिवेटर में? एक बार यहीं से कुछ हो सकता है क्या? नो पावर, अब पावर कहाँ से लाना पड़ेगा भाई? अगर हम लोग इसको एक बार गिरा के देखें, और अभी पावर इसके अंदर आ सकता है क्या एलिवेटर में? सॉरी, ओ भाई अभी हम लोगों को शायद से प्लैंक यहाँ पे लगाना है, और हम लोगों ने एलिवेटर का पावर शायद से ला दिया है उसको नीचे करके, वो जो वहाँ पे हैंडल लगा हुआ था, और एलिवेटर ऊपर आ रहा है, लेट्स गो। और वो भी शायद से आ रहा होगा, बट हमने वहाँ पे प्लैंक लगा दिया है। आई थिंक वो आ रहा है क्या एक बार ही? अभी तो नहीं आ रहा है। और एलिवेटर भाई धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, जल्दी आ जा भाई। ओ भाई वो दरवाजे को उस साइड खड़ा और बोल रहा है कि
अभी के अभी दरवाजा ओपन करो भाई, मैं नहीं ओपन करने वाला, जल्दी आ जा भाई। एलिवेटर कितना धीरे आ रहा है भाई, भैंस की टांग। अभी हम लोग इसमें जाके और ये लीवर को यहाँ पे लगाना है और इसको घुमाना है, लेट्स गो। हम लोग शायद से यहाँ से एस्केप कर चुके हैं भाई साहब, और वो बंदा अभी शायद से उधर ही फंसा है। ओ भाई, वो लग रहा है कि उसने ना दरवाजे को तोड़ दिया है भाई, और वो ऊपर आ चुका है भाई। हमको तो डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि भाई वो लिफ्ट को दोबारा से ऊपर बुला ले और हम लोगों की बैंड बजा दे। अगर ऐसा कर दिया भाई, वो चिल्ला रहा है भाई। अभी हम लोग शायद से एस्केप कर चुके हैं भाई, ये मैनिएक ना सच में बहुत ज़्यादा पागल था। और ये भाई कैसा गंदा सा नाला है यार, ऊपर से कैसा गंदे से पानी गिरता है। ये कौन सा रास्ता है? ओ भाई छी, मैं भीग गया। और यहाँ पे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है भाई, शायद से इसने किसी और को भी यहाँ पे कैद कर रखा है। इसको हम लोग ओपन कर सकते क्या? लॉक्ड विद अ की भाई, इसको भी हम लोगों को आज़ाद करने के लिए की चाहिए होगा, बट हमारे पास अभी कोई की नहीं है भाई। सॉरी यार, अभी मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा। आऊँगा मैं अभी तेरे को लेके जाऊँगा, अभी के लिए तो फिलहाल अकेले ही चल लेता हूँ। और हम लोग शायद से यहाँ से एस्केप कर चुके हैं भाई, लेट्स गो। और ये रही बाहर की दुनिया भाई। तो चलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।